बीच संबंधों में खटास आ चुकी है, जिनका फिर से मिठास में बदलना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत चाहता है 5 मई से पहले वाली स्थिति, जिसके लिए चीन तैयार होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री ने भी लद्दाख पहुंचकर चीन को यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी कि हर हालत में भारत अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। लेकिन पड़ोसी से खराब होते रिश्तों से देश में टेंशन तो है ही। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। दोनों के बीच में करीब 30 मिनट तक बैठक चली है। आशंका है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में चीन के साथ बढ़ते तनाव को लेकर ही चर्चा की गई होगी। इसी बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अहम ट्वीट किया है। लिखा है, भारत इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां दी जा रही हैं, उसका सामना करने का हमारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए। देश के उच्च पदों में बढ़ी इस हलचल पर पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि शुक्रवार को ही पीएम मोदी लेह की यात्रा कर लौटे हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, तो मुद्दा चीन ही हो सकता है। लेह में पीएम ने चीन का बिना नाम लिए उसकी विस्तारवादी नीति पर हमला बोला था। कहा था, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और अब विकासवाद का वक्त है। किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो वो हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा है। इतिहास गवाह है, ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। पीएम मोदी ने नाम नहीं लिया, फिर भी चीन बौखला गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े। हालांकि भारत ने अभी भी चीन के लिए बातचीत का रास्ता खुला छोड़ा है, लेकिन किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी संदेश दे दिया है। अब राष्ट्रपति से बातचीत के बाद चीन के साथ संबंधों को लेकर और क्या अपडेट होता है, क्या नए कदम उठाए जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चीन के सामने चुप बैठना ठीक नहीं है। चीन जैसे देश को चोट पर चोट दिए जाना जरूरी है।